बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चीज़ एक सैंडविच। ज़बरदस्त रेसिपी है, माशाल्लाह से बहुत आला रेसिपी बनती है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसान करके बताऊंगी। चार हमने अंडे लिए, अंडों को हमने उबाल लिया। ये सात अदद हमने ब्रेड लिए, ब्रेड फुल साइज़ लिए, ये देखें। मोज़रेला चीज़ हसबे ज़रूरत, एक छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक, कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। आओ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ब्रेड लिए और ब्रेड के इस तरह हम किनारे कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, पतले पतले से किनारे उतार लेंगे हम इसके। अभी इसी तरह हम सारे के उतार लेंगे माशाल्लाह से। अब ये हमने एक बोल लिया, अब हम इसको अंडों को इस तरह कटिंग कर लेते हैं। इसकी जर्दी निकाल लेंगे इस तरह के, पतले पतले से कटिंग करेंगे हम। अब दो अंडे हमने इस पे तोड़ के इसमें डाल दिए जर्दी समेत, और बाकी ये वाला इस तरह के एक आधा अंडा हमने इसमें इस तरह की कटिंग करके इसको रख दिया, इसी में से निकाला हमने ये। चार चम्मच हम मायोनीज डालेंगे इसमें, आधी छोटी चम्मच नमक और एक छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया हमने इसे, ये देखें। अब हम इसको एक तरफ रख देते, एक ब्रेड दी। अब इसके अंदर हम डालेंगे गार्लिक केचप, चम्मच हमने गार्लिक केचप डाल के इसे अच्छे से फिला देंगे। ये देखें माशाल्लाह से, ये सैंडविच बहुत आसान करके बता रही हूँ, इतना आसान है कि बच्चा भी बना ले इसे। अभी हमारे पास खीरा है, एक खीरे को हमने बारीक बारीक कटिंग करा है, इसको हम इसमें डालेंगे। ये देखें, इसकी जगह आप लोग टमाटर भी डाल सकते हैं। एक ब्रेड की स्लाइस लगाएंगे इस तरह। अभी जो मिक्सचर हमने एक का मिक्सचर बनाया था, ये हम सारा इस पर लगा देंगे, अच्छे से फैला देंगे। प्लस अच्छे से हमने फैला दिया इसे, ये देखिए। अब इसके ऊपर हम एक और ये इस तरह की ब्रेड लगाएंगे। अब थोड़ा सा गार्लिक केचप, अब इसके ऊपर हम ये एग लगा देंगे। माशाल्लाह से बहुत मज़े के सैंडविच तैयार होते हैं, देखने में भी बहुत खूबसूरत रेसिपी है, खाने में तो वैसे भी लाजवाब है। अब मोज़रेला चीज़ हमने थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ली, अब हम इसको अच्छे से इस तरह कद्दूकश करेंगे, इसे हम अच्छे से लगा देंगे। माशाल्लाह से अब ये बिल्कुल सैंडविच हमारा एक सैंडविच चीज़ तैयार है। अब हम इसको फ्राई पैन में हम इसे बेक होने के लिए रख देते हैं, जब ये अच्छे से ये चीज़ बेक हो जाती है उसके बाद मिलते हैं। चला से 5 मिनट हो गए इसे हमें बेक होते करते हुए, ये देखिए बेक अच्छे से हो गया, ये चीज़ हमारे अच्छे से मेट हो गई है। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे उतार लेते हैं। हमारा एक चीज़ सैंडविच बहुत मज़े का तैयार हो गया है, ये देखिए। अब हम इसे कटिंग करते, 5 मिनट के अंदर ये रेसिपी तैयार हो जाती है, ज़बरदस्त रेसिपी है। माशाल्लाह से हमारे बहुत मज़े का रेसिपी तैयार हो गई है, बहुत मज़े का सैंडविच तैयार हो गया, देखने में भी बहुत खूबसूरत रेसिपी है, खाने में तो वैसे भी लाजवाब है। ये देखें, खाली इसकी लुक चेक करें, इतना ज़बरदस्त ये सैंडविच बनता है, 5 मिनट में ये सैंडविच तैयार हो जाता है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, देखने में भी बहुत खूबसूरत रेसिपी है, खाने में भी लाजवाब रेसिपी है। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही है, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन।